Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. Now we start with dua. Rabbi zidni ilma. Ae humare rab humare ilm mein izafa farma aur hamein nafa baksh ilm ata kar. Unit number 11, famous cities. Dear students, in my previous lecture we have discussed about Lahore, Islamabad and Karachi. And today we will learn about Peshawar, Gilgit and Quetta. And the book page is 33. Peshawar. Peshawar is the capital of Khyber Pakhtunkhwa. Peshawar Khyber Pakhtunkhwa ka Darul Khilafa hai. It's regained its glory during the rule of Mughal Emperor Babur. Aur isne dobara apni jo azmat thi Mughal Shahanshah Babur ke daur mein hasil ki. Mughal Badshah Babur jo ke founder hain Mughal Empire ke aur ye जो है सिंध में एंटर हुए थे खैबर पास के थ्रू 1505 में. इन 1586 द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रैंड ट्रंक रोड लिंकिंग दिल्ली एंड काबुल वाज कंप्लीटेड. और 1586 में जो कंस्ट्रक्शन थी तामीर ग्रैंड ट्रंक रोड की जो कि मिला रहा था दिल्ली और काबुल की रोड को वो मुकम्मल हो गई. The Khyber Pass is one of the most famous mountain pass in the world. और जो Khyber Pass है वो दुनिया के जो mountain passes हैं उनमें से मशहूर तरीन है. ठीक है. और basically Khyber Pass connect करता है लंडी कोतल को to the valley of Peshawar. Next चलते हैं. Peshawar is the gateway to the mountainous northern areas of Pakistan. और Peshawar क्या है कि एक रास्ता है पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात की तरफ. इट इज़ अ प्रोस्पेरस सिटी ऑफ ट्रेडर्स. प्रोस्पेरस खुशहाल. ये एक खुशहाल शहर है तिजारत करने वालों का. पेशावर इज नोन फॉर इट्स टी हाउसेज एंड बाजार्स. पेशावर जो है वो मशहूर है अपने चाय के हाउसेज के लिए और बाजारों के लिए. और जो पेशावर है ये थर्ड लार्जेस्ट प्रोविंस है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन एंड इकॉनमी. यानी अगर हम आबादी के लिहाज से बात करते हैं इसकी मीशत के हवाले से करते हैं तो ये हमारे जो फोर प्रोविंसेस हैं उनमें से तीसरे नंबर पर आता है. द अदर फेमस सिटीज़ ऑफ खैबर पख्तूनख्वा आर एबटाबाद, कोहाट, मानसाहरा, बन्नू, डेरा इस्माइल खान, सवात, चित्राल, मर्दान एंड मालाकंड. ये जो हैं इसके मशहूर शहर हैं. और इसके साथ साथ इस जो पिक्चर दी गई है खैबर पख्तूनख्वा की उसमें भी ये सिटीज़ शो किए गए हैं. अगर हम पेशावर की फेमस सिटीज़ की बात करते हैं और उसके साथ साथ उनकी फेमस प्लेसेस यानी जहाँ पे लोग जाना पसंद करते हैं ठीक है या जहाँ पे जो है कदीम हमें आसार मिले हैं जिनमें हमारे पास गंधारा सिविलाइजेशन आ जाती है जिसको पुरानी तहजीबों में से एक माना जाता है वो भी पेशावर में पाई जाती है. फिर बाला हिसार कोर्ट है, पेशावर म्यूज़ियम है, मोहब्बत खान मस्जिद है, जमरूद फोर्ट है और ये सारे पेशावर में मौजूद हैं. नेक्स्ट चलते हैं गिलगित. गिलगित इज़ अ बिग सिटी एंड कैपिटल ऑफ द ऑटोनमस गिलगित बल्तिस्तान. गिलगित एक बड़ा शहर है. ऑटोनमस मीन खुद मुख्तार. और गिलगित बल्तिस्तान जो कि खुद मुख्तार सुबह उसकी जो है दारुल खिलाफा है. गिलगित इज़ अ मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन एंड सर्व एज अ हब फॉर ट्रैकिंग. और इसके अलावा क्या है कि ये दुनिया भर के सयाहों के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा कशिश का बायस है. यहाँ पे इसको देखने के लिए आते हैं ना सिर्फ दुनिया भर से बल्कि पाकिस्तान के अंदर से भी. और यहाँ पे ट्रैकिंग भी की जाती है. क्वेटा. क्वेटा इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ द प्रोविंस ऑफ बलोचिस्तान. ये बलोचिस्तान का जो है दारुल खिलाफा है. It became famous in the 11th century when it was captured by Mahmud Ghaznavi. और ये 11वीं सदी में मशहूर हुआ था जब इस पर महमूद गजनवी ने कब्ज़ा कर लिया था. क्वेटा सिटी lies close to the borders of Afghanistan and Iran. और क्वेटा basically अफ़ग़ानिस्तान और ईरान के borders के करीब है. The main bazaar of क्वेटा is on Jinnah Road. और क्वेटा का जो मेन बाज़ार है वो जिन्ना रोड पे है. द कंधार बाज़ार एंड लियाकत बाज़ार आर आल्सो नोन फॉर द ट्रेडिशनल बलोची हैंडीक्राफ्ट्स. कंधार बाज़ार और लियाकत बाज़ार जो हैं मशहूर हैं ट्रेडिशनल मीन रवायती
ब्लोची हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स जो कि हाथों से बनाए जाते हैं, यानी ऐसे डेकोरेशन की छोटी छोटी अशिया जो कि हैंड से बनाई जाती हैं, और वहाँ पे जो है उनकी रवायती ब्लोची कढ़ाई की जाती है या ब्लोची वे में बनाई जाती हैं, तो वो बहुत ही मशहूर हैं। द अदर फेमस सिटीज़ ऑफ बलोचिस्तान आर कलात, खुजदार, खरान, लोरालई, तुर्बत, गवादर, सिब्बी, पशीन एंड जोब। इसके अलावा कोयटा इज़ फेमस फॉर रिच फ्रूट ऑर्चर्ड्स विच प्रोड्यूस बेस्ट एप्पल्स इन पाकिस्तान। कोयटा अपने बागात के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, और कोयटा का जो सेब है वो पाकिस्तान में बेस्ट माना जाता है। इसके अलावा अगर हम कोयटा की दीगर फेमस प्लेसेस की बात करते हैं, तो उसमें हमारे पास आती है कायदे आज़म रेजिडेंसी, यानी वो जगह जहाँ पे कायदे आज़म ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात गुजारे थे, ठीक है, ज़ियारत जो कि ज़ियारत में है, पशीन वैली है, हन्ना लेक है, तो ये जगह जो हैं कोयटा में बहुत ही मशहूर हैं। नाउ देर इज़ अ होमवर्क टास्क, क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ नोट ऑन कैपिटल सिटी ऑफ बलोचिस्तान प्रोविंस, यानी बलोचिस्तान प्रोविंस यानी सूबे बलोचिस्तान की कैपिटल सिटी पे नोट लिखना है, दारुल खिलाफा पे। राइट अ नोट ऑन कैपिटल सिटी ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, यानी खैबर पख्तूनख्वा सूबा की जो दारुल खिलाफा है उस पे नोट लिखना है। थैंक्स।